ने 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 सर यहां पे सर यहां पे एक बार लेफ्ट राइट चले जाओ ना तुम लोग आने सर थोड़ा सा आगे सर थोड़ा सा आ जा आ जा आओ इसमें सर चलो क्या भाजी चलो क्या सर का पहले यानी भाजी सर थोड़ा सा लो यानी भाजी सेंटर में सनी भाजी यानी भाजी सेंटर में सनी भाई आ आ आगे ना तू बच्चों को अभी इधर का सेक्शन हो गया बोलना हो गया सर 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 सोलो सर सर सोलो सर अब वही रुकिएगा सर 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 सामने सर सामने बाजी बाजी सामने बाजी हम लोग कुछ नहीं मिलते सर यहां है ना बाबा सर यहां है सर यहां है यहां पे थैंक यू थैंक यू आराम से आराम से यू बिकम अ लिटिल फेमस So, to reward you, this is Ayal once again. It has more story, more content, more action. So, I hope you guys like it. Without any further ado, let's have the trailer then. Let's open the floor for question answers. Hello, everyone. So far, so good. जैसे आप लोगों से लास्ट टाइम कहा था आप लोगों ने मेरा साथ देना फिलहाल अब तक तो आप लोगों ने मेरा साथ दिया है बस अब 5 फेब तक डटे रहिए फिर आगे पिक्चर करेगी जो उसने करना है उससे कुछ फर्क पड़ता है 15 को या 5 को आई डोंट थिंक रियली एक्चुअली हम तारीख तो देते हैं हमेशा लेकिन बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस कितनी बार हम लोग आगे पीछे रह जाते हैं कोशिश हमेशा एक्चुअली मैं अगली बार तो तारीख ही नहीं दूंगा जब तक मेरी टेक्निकली आई एम नॉट कम्प्लीटली क्लियर विद इट बिकॉज उसके बाद फिर ऐसी चीज़ों के बारे में बात करनी पड़ती है बट डेफिनेटली लेट देयर बी अ पॉजिटिवनेस टू इट एंड और तो कोई रीज़न नहीं है देयर इज नो अदर रीज़न ये नहीं मैं कह सकता कि आई डोंट नो मैं क्या कहूँ क्या इसके अलावा बस यही कि डेफिनेटली वी आर कमिंग ऑन 5th Feb एंड जो भी टेक्निकल हिचेस थे सब ठीक हो गए हैं एंड देयर वी आर Hi, Sunny sir, I'm from the Buzz Diary over here. Yeah. Ajay Mehra is back and we are loving it. So how reloaded is Ajay Mehra in Ghayal once again? Well, whatever you'll have seen, if you all feel he is reloaded, he is reloaded. Yeah. Definitely. Is there any other character of yours you want to have a sequel for? Well, because like I always say characters. That this is my basic acid test. Ye picture lag jayegi, uske baad I will know actually ke सबको किस तरह से लगी और मुझे भी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा या मैं फिर से जाके कहीं बैठ जाऊंगा कि फिल्म में बनाऊं और फिर डेफिनेटली देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर देयर इन माय माइंड बट तब तब बात करेंगे नहीं हम लोग ट्रेलर दूसरा भी डालने वाले थे पहले बट वी वर सपोज टू ब्रिंग इट आउट समवेयर इन द फर्स्ट वीक सेकंड एंड थर्ड को हम लोगों ने आई वाज हैविंग अ गोना हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस आई वाज सपोज टू डू एवरीथिंग
But technically, like मैं बोल रहा हूँ, मेरी चीज़ें ready नहीं थी, so we held back and then definitely it's दो हफ्ते पहले ही चीज़ आए, उसके पहले आई हुई ऑलरेडी, और गाना भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये डिले से हमें फ़ायदा इस चीज़ का हुआ, डेफिनेटली एक अवेयरनेस बढ़ गई. दूसरा, मेरा जो गाना था लपक छपक हैज़ कॉटन विद यंगस्टर्स, जो मुझे कहा जाता है तो मैं मानता हूँ. Well, क्या कहें अभी, बिकॉज बहुत चीज़ें कही जाती हैं. There's no definite rules and regulation if you ask me, because कभी मैं तो आम बिलीवर को कुछ भी मैं दिखाऊँ. But जिस तरह से आज हमारी जो हमारा माहौल जो चल रहा है वहाँ पर अक्सर बहुत चीज़ें दिखा देते हैं, पर फिर भी मैंने काफ़ी कंट्रोल रखा है, काफ़ी कंट्रोल रखा है. सनी सर, देखिए जैसे इन्होंने कहा मत दिखाओ ज्यादा, तो आप क्यों सिनेमा में जाके देखो ना, प्लीज सिनेमा में देखिए, उसके बाद फिर आप लोग बताइए कि क्या है, बिकॉज नहीं तो फिर जब सिनेमा में नहीं जाओगे तो टिकट नहीं खरीदेगा, टिकट नहीं खरीदेगा तो पिक्चर कैसे बनाऊंगा मैं. हाँ जी, तो पिक्चर के लिए क्या रह जाएगा. आई थिंक मिशन ऑल इतना बहुत है, बट इट्स वेरी नाइस, अच्छा लग रहा है जो आप कह रहे हैं. डेफिनेटली मैं चाहूँ तो ऐसे ही पिक्चर रिलीज कर दूँ, कुछ भी ना करूँ, बट इतनी मेहनत की है, इतना कुछ किया है, तो डेफिनेटली सिनेमा में जाके लोग देखें और फिर उसके बाद जो होना हो सो हो. सनी सर, दिस इज दीपा, आई एम फ्रॉम बिस्किट शो टाइम ऑस्ट्रेलिया. अ वेरी वार्म वेलकम एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द मूवी एंड वी विश यू ऑल द गुड लक. हमें बताया गया है कि हॉलीवुड एक्शन कोऑर्डिनेटर डैन ब्रैडली हैज बीन हायर्ड फॉर द एक्शन सीक्वेंस. आपके 2.5 किलो के हाथ पे हमारा दिल तो वैसे ही घायल था. व्हाई सच अ चॉइस? दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. आप लोग ऐसी ऐसी चीजें बोल के मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं. बट डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगा कि डैन ब्रैडली, बिकॉज जैसे आप देख ही रहे हैं और जैसे मेरी पहली फिल्में भी थी, उन्होंने मेरा इनिशियल एक्शन हमेशा अच्छा हुआ करता था, स्क्रीन पे होता था एंड बिलीवेबल होता था. तो दैट्स व्हाई आई नीडेड टू ब्रिंग इन डैन ब्रैडली, बिकॉज उनकी जैसे ही इज फेमस फॉर द फिल्म्स जो आप सब देख ही चुके हैं, बॉर्न अल्टीमेटम, आइडेंटिटी और भी ढेर सारी. सो एंड ही इज रियली डन अ ग्रेट जॉब एंड वी जेल्ड वेरी वेल, वी वाइब्ड वेरी वेल एंड काफ़ी अच्छा है. बट लेट्स सी ऑन द 5th of Feb आप लोग देखोगे एंड देन उसके बाद I will definitely meet you all and we'll have a chat and I hope it's a interesting one. Sunny sir, we have seen you in doing all sorts of action. Which was the most difficult one for you to just bring it out? We have seen the intense action. Any one particular scene which was very difficult for you to get in? You see, the difficulty is not the basic thing, because like I do these things because for me it's a thrill, it's a basically adrenal thing. डिफ़िकल्टी आजकल तो थोड़ी सी भी हो जाती है, बिकॉज बैक इतनी देर तंग करती है कभी कभी, तो डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं. बट जैसे होता है ना, जिस चीज़ का आपको प्यार और शौक हो तो उस वक्त आदमी आगे ही बढ़ता है. हाय, कंग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रेलर. इट्स राइट हियर स्ट्रेट ऑन योर राइट. हाय, congratulations for the trailer, it looks really really amazing. Soha Ali Khan is also the part of the film, but of late I think she's not been promoting the film and today also she's not there. Can you tell us some specific reason why she's not there? There's no such specific reason. I would love to have everyone over here, but then you know nowadays everybody is so tied up with so many things. Sometimes we are available, sometimes our schedules upar niche ho jate hain, and on a particular day they were available, then they are not available. So ye chalta rehta, but there's no other definite reason beyond that. Sunny sir, yahan sir, 5th ko film release ho rahi hai. Last ka jo ek week hota hai, फिल्म को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं स्टार्स अपने रिलीज से पहले. आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से प्रमोट करेंगे उस एक हफ्तों में? यार कोई ऐसी स्ट्रेटजी तो नहीं है जो बाकी नहीं करते. ऑब्वियसली मैं अभी शुरुआत आज से हुई है, तो नाउ एवरी डे आई विल बी गोइंग डिफरेंट प्लेसेस एंड ट्राइंग टू डू व्हाटएवर आई कैन, और लेट्स सी जो भी होगा. आई मीन एवरी डे आई विल बी डूइंग समथिंग.
I'll be visiting the whole country as a matter of fact. So, जहाँ जा भी जाकर मैं कुछ कर सकूँ. No, definitely, definitely, my dad, dad loves all of you all, and definitely, I mean, next time I'll definitely have him along with me, and he will 100% will be there. It's just वो चाहते हैं कि बेटा खुद जरा अपने आप को जरा आगे लेकर जाए, तो उसी वजह से थोड़े से पीछे हैं, नहीं तो पापा भी बॉबी हम सब इकट्ठे ही रहते हैं. सनी सर एक सवाल कि क्या धर्म जी ने ये फिल्म देखी और कैसी लगी उन्हें? देखिए मेरी फिल्म पापा ने पूरी तो नहीं देखी है, ही सीन बिट्स एंड पीसेस एंड उन्हें अच्छी लगी है एंड ही इज लाइक इट. डेफिनेटली ही हैव सम पॉइंट्स व्हिच आर क्रिएटिव पॉइंट्स जो व्हिच देयर इज नो पॉइंट मी डिस्कसिंग राइट नाउ बिकॉज़ आप लोग जानना चाहोगे लेकिन मैं नहीं बताना नहीं चाहूंगा. बट डेफिनेटली दैट इज समथिंग व्हिच वी ऑलवेज होता ही है ना एंड बट ही इज फीलिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट इट. सनी सर आपने जब फर्स्ट घायल थे तो आपने सिर्फ एक्टिंग की थी, इस बार आपने राइटिंग भी की, एक्टिंग भी की, डायरेक्शन भी किया, तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, एक्टिंग, डायरेक्शन या राइटिंग? आई थिंक सब इकट्ठे हो जाते हैं बट डेफिनेटली एज अ राइटिंग एंड डायरेक्शन वाज समथिंग व्हिच वाज रियली ब्यूटीफुल. आई एंजॉयड इट दिस टाइम बिकॉज इस बार मैं सोच समझ कर आया था कि मैंने ये करना है और क्यों करना है, रीजन बिहाइंड इट. So I enjoyed every moment of it, every bit of it, directing people, interacting with people, writing, jo bhi experience raha hai life ka, putting it across, you know. So as a director, as a writer, that's what you can do, you can put it across. As an actor, you're just doing one character. Here I'm trying to interact all different characters and try and justify them all. So it was fun. देखिए फर्क की बात नहीं है बिकॉज वी आर ग्रोइंग अलॉन्ग विद इट. ये नहीं मैं अचानक एक दिन इंडिया आ गया हूँ अभी तो सब चीज़ें अलग लग रही हैं, ऐसा नहीं है. वी हैव सीन इट ऑल एंड देन एज अ राइटर एंड डायरेक्टर आई एम बेसिकली ट्राइंग टू ब्रिंग इट अक्रॉस के मुझे आज की सोसाइटी को मैं कैसे समझता हूँ और मैं कैसे उसे दिखाना चाहता हूँ. तो मैं बोल तो काफ़ी कुछ रहा हूँ. आई होप ऑल दिस इज देयर इन द फिल्म. आप है ना यहाँ, यू आर पार्ट ऑफ मी ना. हेलो सर, दो हजार पंद्रह दो हजार चौदह मैं अपनी घायल में ही लगा हुआ था और 2016 की बिगनिंग में इसका देखना कि व्हाट काइंड ऑफ अ डिलीवरी आई हैव एंड 2000. हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? डेफिनेटली मैं मेरी पूरी कोशिश है कि जो चीज़ें मैंने पहले की थी मैं सोच रहा हूँ कुछ और ऐसी या कुछ नई चीज़ें निकलें जैसे अब अगली बार को कि ऐसी पिक्चर होनी चाहिए. 2016 में फिलहाल तो अभी मैं अपने बेटे को लॉन्च करूँगा पर उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा. डायरेक्शन का डिसीजन सर आपने अजय मेहरा के साथ फुल जस्टिस के लिए लिया या फिर आगे डायरेक्शन कंटिन्यू करने का प्लान आपका? मैंने पता नहीं क्यों किया है लेकिन डेफिनेटली पिक्चर बनाने के लिए किया है. मैं एक्टर हूँ और इस फ्रेटर्निटी से इतने साले से हूँ और डेफिनेटली ये सब चीज़ें इसलिए की हैं क्योंकि दिल कर रहा था कुछ करने को, अलग करने को, तो पूरी कोशिश की है. हाय सनी, आई एम पंकज फ्रॉम पन्ना सीवर. डू यू प्लान टू मेक घायल अ रेगुलर फ्रेंचाइज? लाइक आई सेड, आई मीन प्लान्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्कस प्लान्स बिकॉज यू नो फिर बाद में आप लोग बोलोगे आपने तो ये बोला था अभी किया नहीं, तो उसे भी डर लगता है. अंदर मैं चाहूँ तो मैं ढेर सारी चीज़ें बोल सकता हूँ लेकिन फिर बाद में यू ऑल विल क्वेश्चन मी फॉर दैट. बट फिलहाल लेट्स जस्ट सी के ये हमारी जो फिल्म है हाउ इट गोज एंड देन इट टेल्स, वही आपको बताएगा कि अगला कदम क्या लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है. And reports have just come in. Sorry, this is different from Ghayal, but reports have just come in that Amitabh Bachchan and Priyanka Chopra will be replacing Aamir Khan as Incredible India's brand ambassador. So what do you have to say on that? I'm here just for Ghayal once again. Okay.
मजा आया. बच्चों के साथ काम कर रहा था, बड़ा मजा आया. दोनों मेरे बाजू में इस वक्त, बाकी दो आए नहीं आज. इट वाज फन. लाइक आई सेड, मजा ये आया कि आई हैड टू इंटरैक्ट विद सो मेनी डिफरेंट एक्टर्स एंड आई वाज ट्राइंग टू ब्रिंग अक्रॉस इतने अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स ओवर द इंटरैक्ट करते करते आई वाज डिस्कवरिंग कि मैं उनसे और क्या निकलवाना चाह रहा हूँ. देवर डिस्कवरिंग के वॉट इज इन माई माइंड रिगार्डिंग दैट कैरेक्टर. तो इट इज इट वॉज बेसिकली आई वुड से काइंड ऑफ अ क्रिएटिव हाई बेसिकली. उसमें मजा आया. सनी सर ये